मंडी जिले में एक बेरहम ताया द्वारा 11 साल के बच्चे को तेजाब पिलाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ताया ने मासूम को जूस के बहाने तेजाब पिला दिया, जिससे बच्चे का चेहरा पूरी तरह से झुलस गया है। मामला नाचन क्षेत्र स्थित रसवाड़ी पंचायत के चमकवाली गांव का है। आरोपी ताया जयराम ततौर स्कूल में चौकीदार है, जिसने भूमि विवाद के चलते बच्चे को जूस की जगह तेजाब पिला दिया। तेजाब पीने से बच्चे का मुंह बुरी तरह से झुलस गया है और वह खाने पीने व बोलने में लाचार है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार 11 वर्षीय पीड़ित मासूम उदय रजवाड़ी स्कूल में 6 में पढ़ता था। दोपहर बाद उसके परिजन खेत में काम करने गए थे, तभी करीब 3 बजे आरोपी ताया उसके घर आया और उसे घर से कुछ दूरी पर बाबरी के पास ले गया, जहां बोतल में रखे तेजाब को जूस बताकर उसने मासूम को दे दिया। मासूम उदय ने तेजाब से भरे बोतल से एक ही घूंट गले से नीचे उतारा था कि उसे गर्मी व जलन का एहसास हुआ और वह बोतल फेंककर भाग निकला और ठंडा पानी पीने से भी आराम नहीं मिला तो परिजनों को आप बीती सुनाई। परिजन उसे निजी क्लिनिक ले गए, जहां पर उसका इलाज हो रहा है। पीड़ित मासूम को प्राथमिक उपचार के बाद रति अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उदय को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया। उदय की दादी सती देवी की शिकायत पर बल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और ये मेरा लड़का है, इसको मेरे चाचा जी की लड़की ने बाउरी के पास ले जाकर के उसको गिलास में पानी भर के बोला कि ये इसमें जूस है और इसको पिला दिया। जब इसने पिया तो इसको गर्म गर्म जैसा एहसास हुआ और इसने उल्टी मार दी और वो घर आ गया, और घर आते ही इसने घर में पानी पिया और सभी को पता चल गया। अब हम इसका उपचार यहाँ कर रहे हैं और डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर अभी तक नहीं आ रहा है, 1.5 घंटा हो गया हमको बैठे हुए। सर जो उस पानी है उसमें चीनी मिलाकर पिलाया गया, ऐसा तो बोल सकते कि आप लाया, अभी डॉक्टर के आने के बाद ही लगेगा पता क्या चीज़ है। छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, पर वो नीचे कुछ ऐसा ठीक बनती थी हमारी आपस में, सर भी उजागर नहीं है, वैसे ही होती रहती है ऐसे लड़ाई झगड़े, ऐसा कोई बड़ी कोई नहीं थी। सर कंप्लेंट करा दी, उसको भी टेस्ट कर दिया उन्होंने और मेरे उदय को उन्होंने एसिड खिलाया है। घर आके इसने बोला मम्मा मेरे को जूस एसिड पिला दिया भी। और जब मैंने इसकी हालत देखी तो मैं इसको हॉस्पिटल ले गई और हॉस्पिटल में बोला कि इसको दवाई दी और हम घर आके देखिए इसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। तो फिर हम इसको मतलब रत्ती ले आए, फिर वहां इसकी ट्रीटमेंट की, फिर उन्होंने हमें मंडी रेफर कर दी, यहाँ इसकी ट्रीटमेंट अब शुरू होती है। सर मैं घर में ही थी, इसको बॉडी में ले गए, 5 मिनट दूरी में है बॉडी, वहां पे ले गए जी। जब ये बॉडी से वापिस आया घर, दौड़ के आया घर वापिस, फिर ये लगा पानी पीने, फिर मैंने बोला क्या हुआ इसके, मतलब पूरा मुंह स्वेलिंग आ गई थी इसके मुंह में, फिर मैंने बोला क्या हुआ, इसने बोला मम्मा जयराम भैया ने मेरे को गर्म गर्म जूस पिलाया भाई। फिर मैंने बोला कैसा जूस था, फिर मैंने उनको भी बोला जयराम भैया को भी बोला भी तूने क्या पिलाया इसको, वो मुंह कर गए एकदम से, उन्होंने बोला कि मैंने कुछ भी नहीं पिलाया इसको और ये बार बार उन्हीं का नाम ले रहा है।